वैसे तो एक इंसान दूसरे इंसान को अपना सच्चा साथी समझता है, लेकिन देखा जाए तो जानवरों से ज्यादा वफादारी इंसानों के खून में नहीं होती। कहते भी तो हैं, वफादारी तो जानवरों के खून में बसती है। कई लोग इस बात को मानते हैं, जबकि कई इसे अनदेखा करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारे व्यूवर्स को हम वही दिखाते हैं जिसमें सच्चाई छिपी होती है। जैसे कि आज इस कहावत को ही हम सच करने वाले हैं। आज के सफर में आप देखेंगे कि कैसे पेट एनिमल्स ने अपने मालिक के बड़े बड़े खतरों का सामना किया, लेकिन अपने मालिक पर आंच नहीं आने दी। तो दिल थाम के बैठिए और अपने साथ साथ अपने पेट को भी ये वीडियो दिखाइए। लेकिन इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो पसंद आ जाए तो अपने डियर पेट के लिए लाइक भी कर दीजिएगा, उसे अच्छा लगेगा। इस क्लिप में जो मोहतरमा बिल्ली मौसी की ताल पर कत्थक करती हुई नजर आ रही है, वो दरअसल इस प्यारे से बच्चे की दाई है। दाई ने बेबी को लेकर थोड़ी सी लापरवाही दिखाई तो बिल्ली ने उसे आंख दिखाना शुरू कर दिया, और तब तक नचाया जब तक वो बच्चे के लिए सिंसियर नहीं हो गई। बिल्लियों के अलावा सबसे वफादार होते हैं डॉगी, जो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब यही देख लीजिए, मालिक को धूप में सोने को मन हुआ तो वो खुले में सो गया, लेकिन उसे गायों ने चारों तरफ से घेर लिया। कोई नहीं, एक कुत्ता था जिसने अपने खूंखार अवतार से एक भी गाय को मालिक के पास भटकने नहीं दिया। वाओ, आपके पेट के किस्से भी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, वो तो खुला रहता हमेशा। सबसे अच्छे और मालिक के लिए खतरा उठाने वाले कुत्तों में रॉटविलर की गिनती की जाती है। इस वीडियो क्लिप को देखकर हम ये समझ भी सकते हैं, जब रॉटविलर के मालिक को इन भाई साहब ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो रॉटविलर ने उन्हें चलने लायक ही नहीं छोड़ा। सबसे प्यारी और दिल को छूने वाली क्लिप है ये, जहां डॉगी महाराज के मालिक को एक बीमारी के चलते बेहोशी हो रही है। अब ये डॉगी मालिक के ऊपर क्या कर रहा है? अगर आप इसी सवाल से परेशान है तो बता दूं कि इसे मालिक की मदद करने के लिए एक डीप प्रेशर थेरेपी करना सिखाया गया है, और ये इस वक्त वही कर रहा है। भाई लोग, इस डॉगी के लिए एक लाइक तो बनता है, जो अपने मालिक की जान बचा रहा है। कसम से कमाल होते हैं ये पेट्स। यहाँ ये आवारा कुत्ता बच्चे के पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर पूरी नजर जमाए हुए है बिल्ली मौसी, जो पलक झपकते ही इसे बच्चे से दूर खदेड़ने वाली है। भाई, इस कुत्ते को मालिक की रक्षा करने के लिए रात को जागने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करे, ये नींद है कि जाती ही नहीं, मैं सोएगा नहीं, जाग जा। इस जू में एक नए जू कीपर की एंट्री हुई है। इस जू कीपर से गलती हुई ये कि इसने शेर की आंखों में आंखें डालकर 2 मिनट देख लिया। अब शेर है तो भाई राजा को गुस्सा आना तो जायज है, तो बस शेर ने अपना असली रूप दिखा दिया और जू कीपर पर हमला कर दिया। दूसरा जू कीपर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शेर है कि मानने को तैयार ही नहीं है। इतने में शेरनी उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमारे मालिक हैं, ऐसे ना कर बगीरा, ऐसे ना कर। शेरों के साथ खेल रहे जू कीपर को लेकर बाघ काफी सीरियस है। उसे लगा कि सामने से आ रहा लेपर्ड मालिक पर हमला करने वाला है, इसलिए इसने उसे बीच में रोक दिया। यहाँ ये डॉगी चच्चा भी कार में बैठे अपने मालिक को स्ट्रेंजर से बचाने निकल पड़े। अब बारी है थोड़ा मालिक से प्यार करने की। दोस्तों देखिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। वफादारी, प्यार, अपनापन, ये सिर्फ छोटे जानवरों में नहीं बल्कि गोरिल्ला जैसे खतरनाक जानवर भी खतरे में फंसे इंसान को दिलासा और अपनापन दिखा सकते हैं। इस क्लिप को देखिए, यहाँ ये बच्चा गलती से फंस गया और अब ये गोरिल्ला से डर रहा है। बच्चे को डरते हुए देख एक गोरिल्ला उसे दूसरे गोरिल्ला से बचा रहा है और ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसे कुछ नहीं होगा, जब तक वो यहाँ है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। कमाल है ना दोस्तों। अब इस प्यारे से क्लिप की बारी, जहां पिल्लू मियां अपनी फैमिली को रोड पार करवा रहे हैं। इस घर में एक चोर घुसाया है। मैडम जैसे ही हॉल में आती हैं, ये शातिर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही अंदर घुसता है पागलों की तरह बाहर भागते हुए आता है, क्योंकि अब अपने मालिक पर हमला करने के विरोध में कुत्ता इसकी हजामत बना रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आज ये कुत्ता यहाँ नहीं होता तो मैडम के साथ कुछ भी हो सकता था। ये बिल्ली तो भाई अपने घर में आए नए मेहमानों के लिए इतनी पॉजिटिव है कि उसकी माँ को भी उसके पास नहीं आने दे रही है। इस महिला को दौड़े पड़ रहे हैं, इसलिए ये अपना सिर जमीन पर पटक रही है, लेकिन इससे ये घायल हो सकती है, और ये इसका वफादार अच्छे से जानता है। अब इसके वफादार ने इसे बचाने के लिए क्या किया, ये आप खुद ही देख लीजिए। ये प्यारी प्यारी सी बिल्लियां अपने नन्हे मुन्ने साथियों को कभी सोफा, कभी टेबल, तो कभी बेड से गिरने से बचा रही हैं। भाई यहाँ तो महा जंग छिड़ी हुई है।
गूज है कि शख्स को काटने पर जोर दे रही है, वही कुत्ता है कि मालिक को बचाने पर जोर दे रहा है। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार कुत्ता अपने मालिक को बचाने में सफल हुआ। इस पिल्लू को अभी ट्रेनिंग दी जा रही है कि चाहे खतरा बड़ा हो या छोटा, छोड़ना नहीं है बॉस। ये बिल्ली परेशान है कि बड़े भैया छोटे भैया को परेशान कर रहे हैं। देखिए देखिए, पूछ भी रहे हैं, क्या है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो उसे। यहाँ एक भाई साहब इस बच्ची के पास आएंगे, जिन्हें देख कुत्ते को लगेगा कि वो इस डॉल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए कुत्ता उन्हें खदेड़ने वाला है। ये भाई साहब नदी में डूबने का ड्रामा कर रहे हैं, एक्चुअली ये हाथियों की परीक्षा ले रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कोई हाथी इन्हें बचाने आता है या नहीं। OMG, छोटू हाथी ने तो नदी में जंप मार दी। ये लीजिए, छोटे हाथी ने तो ये शख्स को बचा ही लिया और ये साबित कर दिया कि छोटे हैं तो क्या हुआ, अपनों को तकलीफ में देखकर हम बड़ों पर भी भारी पड़ सकते हैं। हाय, कितनी प्यारी क्लिप है दोस्तों। इस छोटू हाथी के लिए लाइक तो बनता है। कैटी का छोटू दोस्त आग से खेल रहा है, मतलब ओवेन के पास खड़ा है। ये देख बिल्ली के कान खड़े हो जाते हैं और वो अपने छोटू दोस्त को बचाने निकल पड़ती है। ये देखिए, कितने प्यारे से छोटू दोस्त के हाथों को ओवेन से हटा रही है ये कैटी। ये शख्स जिस भाई पर हमला कर रहा है उस भाई का साथी पास ही खड़ा है, बस थोड़ी स्पीड स्लो है, वरना आज इस शख्स की खैर नहीं थी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एक घोड़ा सिर्फ खाने और दौड़ने पे ध्यान देता है तो आप गलत हैं, क्योंकि घोड़ा भी चाहे तो मालिक की रक्षा में कई खतरनाक कुत्तों को डरा सकता है। बिल्कुल यहाँ की तरह आप खुद ही देख लीजिए कैसे घोड़ा गाय को किक मार कर पेवेलियन में वापस भेज रहा है। चलिए अब आप हमारी ये बची हुई क्लिप्स को देखिए और इन क्लिप्स में आपको क्या समझ आता है हमें कमेंट करके बताइए। वैसे अगर आपके पास भी ऐसा एक प्यारा सा पेट है और वो भी आपके लिए अपनी जान निसार करता है तो हमारे साथ उसके कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो, लाइक और शेयर किए बिना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। वैसे अगर काम हो चुका है तो नए व्यूअर्स आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिलहाल हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।